हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप ट्विटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे प्रोफाइल सेट करनी है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे ट्वीट करना है, सारी चीज़ों की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हमें सबसे पहले प्ले स्टोर के जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जाना है। इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमें लिखना है ट्विटर ऐप। ट्विटर ऐप यहाँ पे आ गई, इसके ऊपर टैप कर देंगे और इसे हमें अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मुझे अपडेट का ऑप्शन दिखा दे रहा है। ठीक है, आपको फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और हमें इस ऐप को ओपन करना है, ट्विटर वाली। इस पर क्लिक करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ये आपसे कह रहा है कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपका जीमेल अकाउंट है, किसी जीमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो क्रिएट अकाउंट पे लॉगिन करना है। और अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रोफाइल वगैरह सेट करते हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट करके दिखाऊँगा। हमें इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद हमसे ये बोल रहा है यहाँ पे नाम लिखने के लिए, तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे कोई भी जिससे हम अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस बोल रहा है, तो हम जो चाहें वो यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे तो ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर। हम इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो ये हमसे फ़ोन नंबर बोलेगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ ईमेल आईडी इन ईमेल इंस्टेड, तो इसके जगह आप ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके ऊपर टैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल खुल गया, तो यहाँ से हम ईमेल आईडी इसमें जल्दी से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी भी इसमें लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर मैं इसको कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, यही रख लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसमें भी हम नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद ये साइन अप करने को कहेगा, तो यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, तो मैं वो कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। कोड डाल के नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड कहेगा, 8 करेक्टर्स का कोई भी आप पासवर्ड बना लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए रफली कोई भी एक पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये ओके हो गया, यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने की कह रहा है, तो आप चाहें तो इस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग फ़ोटो लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, पर मैं अभी स्किप कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप इसे बाद में भी लगा सकते हैं प्रोफाइल में जाके, स्किप फॉर नाउ। उसके बाद यहाँ पे बायो कह रहा है कि आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी बायो लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। उसके बाद ये सिंक्रोनाइज़ करने को कह रहा है, तो मैं अभी नोट नाउ कर दूंगा कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है, और हमसे लैंग्वेज चूज़ करने की कह रहा है ये, अगर हम हिंदी करेंगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन ट्विटर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बोल रहा है कि आप किस चीज़ से रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे देखना चाहते हैं ट्वीट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फूड हो गया, बिजनेस, फाइनेंस, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, तो आप जितनी कैटेगरी चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ट्वीट होता है। ठीक है,
वट डू यू वॉन्ट टू सी ऑन ट्विटर, ये फिर से आ चुका है और कैटेगराइज किया गया है कि आप इसमें भी और क्या क्या देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे ये सजेस्ट दिखा रहा है कि आप इनमें से किसी को फॉलो करना चाहें, तो मैं अभी फॉलो कर लेता हूँ। स्क्रॉल कर लेंगे नीचे, ठीक है, और नीचे चलेंगे। सोनू सूद है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से जिसको चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने कुछ को फॉलो कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे फॉलो सिक्स पे इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमें यूज़र नेम, यूनिक यूज़र नेम सजेस्ट कर रहा है। आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी बना लूँ, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी यूनिक सा नाम अपना बना सकते हैं। कुछ भी एक यूनिक नाम रख लेता हूँ मैं, तो मैं इन्हीं में से रख लेता हूँ। जैसे अभी मैंने ये रख लिया, ठीक है। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा जो होम स्क्रीन है ये खुल चुकी है, ये होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप, किसी को भी सर्च करना चाहें ट्विटर पे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उसका नाम डाल के, जैसे इस तरीके से आप उसे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से फॉलो करना चाहें फिर उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये होम स्क्रीन है आपकी, जो होम स्क्रीन में आपके जिस जिस को फॉलो किया है उसके यहाँ पे पोस्ट, आपके ट्वीट यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें यहाँ से लाइक कर सकते हैं, कमेंट है यहाँ पे, ये लाइक का ऑप्शन है, यहाँ से आप कुछ भी इस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नाइस रिप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लाइक कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद नीचे ट्वीट है, जैसे ये है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से लाइक कमेंट, ठीक है। यहाँ से शेयर कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे फिर से मैं यही लिख देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सारे दिखाई दे जाएंगे। और आपको कोई पोस्ट यहाँ पे ट्वीट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये थर्ड ऑप्शन है ये है नोटिफिकेशन का। यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन, जो भी आपके ट्वीट को लाइक करेगा कमेंट करेगा, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे मेंशंस आएंगे, जो भी आपको मेंशंस करेगा अपने ट्वीट के अंदर तो वो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज का टैब है, यहाँ पे कोई भी मैसेज करेगा आपको तो यहाँ पे शो होगा वो सब। उसके बाद होम पे आ जाएंगे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैसेजेस में आपको कोई मैसेज टाइप करना है तो आप इस प्लस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम सर्च करेंगे जिसको आप भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नया मैसेज यहाँ से कर सकते हैं। और होम पेज पे आएंगे, कोई नया ट्वीट लिखना है तो ये प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर सिंपली टैप करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ट्वीट कर सकते हैं, गिफ्ट फोटो कोई या फोटोज़ अपनी गैलरी में से कोई फ़ोटो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं स्पेसेस आकर, ठीक है। तो जिसमें आप चाहें वो यहाँ से ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट करना है तो इस ट्वीट वाले पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये खुल चुका है, यहाँ से ट्वीट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल का जो यहाँ पे आइकन है ये, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं। प्रोफाइल है, लिस्ट है, टॉपिक्स है, बुकमार्क्स हैं, मोमेंट्स हैं, मोनेटाइजेशंस भी है यहाँ पे, मोनेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल है सबसे पहले, तो हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल, आप यहाँ से ट्वीट्स आ जाएंगे आपके। अब जो भी यहाँ पे ट्वीट्स करेंगे वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे आपके। अभी मैंने कोई भी ट्वीट नहीं किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ट्वीट्स एंड रिप्लाइज आ जाएंगे। तो आपने जिस पे भी कमेंट किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इन दोनों पे कमेंट किया था, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे आपको, ये रहे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो भी आप फोटो शेयर करेंगे, फोटो या वीडियो, वो यहाँ पे ट्वीट आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे लाइक्स आ जाएंगे, आप जिसको भी लाइक करेंगे जितने भी ट्वीट्स को वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आ गया। उसके बाद ये सेटअप प्रोफाइल का ऑप्शन है इसमें ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये वही जो हमने स्किप करे थे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसमें पैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर थ्री डॉट्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को किसी को शेयर करना चाहें तो इस शेयर पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को,
ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट्स आ जाएगा, लिस्ट यू आर ऑन, व्यू मूवमेंट्स आ जाएंगी, यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे, यहाँ पे भी अलाउ कर देंगे। तो ये आपका ट्विटर का क्यूआर कोड हो गया, जो भी इसको स्कैन करेगा वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कैंसिल कर देंगे, उसके बाद बैक आ जाएंगे, दोबारा इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से आप सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन है इसमें, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। तो जैसे ही आप सेटिंग एंड प्राइवेसी में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे मोनेटाइजेशन भी आएगा, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, आपका ये ट्विटर अकाउंट, तो उससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी और सेफ्टी है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये योर अकाउंट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके, और आपसे पासवर्ड पूछेगा तो आप डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कभी करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हैं इसके अंदर, यहाँ से सिक्योरिटी है, ठीक है, यहाँ से प्राइवेसी है, इस पर आप सारी प्राइवेसी लगा सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हैं इसमें डिटेल में, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आप इस पर टैप करेंगे तो ये क्रिएट ए न्यू अकाउंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई और अकाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मल्टी अकाउंट भी इसमें खोल सकते हैं आप, यहाँ पे ऐड एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करके। तो ये सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, तो इस तरीके से आप ये अपने ट्विटर अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ट्वीट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम ट्विटर को यूज़ कर सकते हैं, उस पर कैसे अकाउंट बनाना है, मैंने सारी चीज़ों को आपको डिटेल में समझा दिया है। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।